हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक है कि डॉगी को या पपी को वॉमिटिंग क्यों होती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वॉमिटिंग के और उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पर। पहला कॉज होता है वॉमिटिंग का, वो है ओवर ईटिंग। कई बार हम लालच में हम ये सोचते हैं कि हमारे पपी को भूख लग रही है और उसे जो है अच्छे से खाना खिला दें, एक बार में ही काफ़ी सारा वो खाना खा लेता है, तो वो अभी उसका जो स्टमक है वो इतना प्रॉपर डेवलप नहीं है और अगर आप उसके स्टमक में लोड पटक देंगे तो उसको वो वॉमिटिंग हो सकती है, तो वो वॉमिट करके जो खाना है वो निकाल देगा। दूसरा जो कॉज होता है वॉमिटिंग का वो होता है कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसे बैक्टीरिया जो गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं, मतलब कि स्टमक की म्यूकोजा में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उसमें भी जो है वॉमिटिंग हो सकती है। तो दूसरा कॉज रहता है एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एक और कॉज हो सकता है फ्रेंड्स वॉमिटिंग का और वो रहता है कि पेट्स जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, वो बहुत सी अनाप शनाप चीज़ें खा लेते हैं, ऐसी एनिडेबल चीज़ें खा लेते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की कोई चीज़ हो, चाहे वो आप देखें कि कंकड़ पत्थर हो गए, या फिर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का कोई पीस हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ें खा लेते हैं और वो बाद में उसको वॉमिट करके निकाल देते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा भी होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पपी 3 मंथ की एज से पहले हम देखें, अगर वो 3 मंथ का नहीं है और उसे वॉमिटिंग हो रही है और ख़ासकर उस वॉमिटिंग में झाग निकल रहे हैं, फोम निकल रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो पार्वो वायरस का सिम्टम हो सकता है। अगर आपके पपी को झाग वाली उल्टी हो रही है और वो आप देखेंगे कि डल हो चुका है थोड़ा बहुत, तो आप उसे घर पर ट्रीट ना करें, घर पर कोई मेडिसिन देकर काम चलाओ जो है चीज़ ना करें, ऐसा कुछ गलती ना करें, आप तुरंत उसे वेटरनेरियन के पास ले जाएं, हो सकता है आपके डॉगी को पार्वो वायरस हो। अब बात आती है वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट की, कि हम वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट कैसे करें। तो वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको वॉमिटिंग का कॉज पता होना चाहिए पहले। तो अगर सिम्टोमेटिकली आप ट्रीटमेंट करना चाहें तो मार्केट में बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल हैं और एक बार के लिए आपके पास कोई डॉग की मेडिसिन ना हो, कोई पेट की मेडिसिन ना हो, तो आप एक सिरप आता है जिसको हम बोलते हैं ओंडामैक, जिसमें ओंडास्टेरोन सिरप होता है जो कि वॉमिटिंग के लिए हमारे छोटे बच्चों को भी दी जाती है, वो आप एक बार पपी को या डॉग को दे सकते हैं। नहीं तो आप पेट शॉप से जाकर के, पेट क्लिनिक से जाकर के स्पेसिफिकली जो है वो वॉमिटिंग के लिए एक बार सिरप ला सकते हैं, जैसे कि ये है पेट सेट सिरप है या ड्रॉप्स हैं, इसको भी वॉमिटिंग में दिया जा सकता है। इन केस अगर सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, तो बहुत ही हल्की वॉमिटिंग हुई है, एक दो बार हुई है, बट ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे वेट के पास ज़रूर ले जाएँ अपने डॉगी को। इसके अलावा आप कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स के सिरप दे सकते हैं पपी को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटालैक्सिन सिरप है, तो इसमें आप सिफेलैक्सिन ओरल सस्पेंशन है, तो ये आप दे सकते हैं और ये भी एक एंटीबायोटिक है। आप वॉमिटिंग के सिरप के साथ साथ में ये एंटीबायोटिक भी अपने पपी को दे सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिक उपचार के तौर पर है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फिर भी आप उसे अपने वेट से ज़रूर चेक करा लें। और जैसा कि हमने बताया कि यदि उसमें पार्वो के साइन आ चुके हैं तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें और उसको प्रॉपर चेक कराएं, वेट की सलाह लें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड हमारे चैनल वेट मंत्रा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।